जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में मैं जो कवर करने वाले इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का जो कि T20 वर्ल्ड कप मैच खेला जाएगा, और मैं आपको बता दूं ये मैच आपके लिए ग्रैंड लीग के लिए स्पेशल मैच है। और ये इस वीडियो में आपको 20 ग्रैंड लीग की टीम्स भी दूंगा। ऐसा क्यों? और मैंने ऐसा टीम बताया कि 7-4 का हर एक मैच बताया कि जो इतनी मेरी टीम्स है मैंने 7-4 का कॉम्बिनेशन अपनाया था। और मेरे मतलब इस मैच में फुल सपोर्ट टीम इंडिया को है, और आप लोग भी पूरा मतलब टीम इंडिया को सपोर्ट करना दोस्तों। आपके एक रिक्वेस्ट चाहूँगा, इस मैच स्मॉल लीग ना खेल के ग्रैंड लीग पर फोकस करना। जो आपको मेगा ग्रैंड लीग आपको इस मैच दिख रहा है, इसमें आप मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना। स्मॉल आज के मैच में ना खेल के आप लाइव मैच देखना, और आप मतलब फैमिली साथ एंजॉय करना, और अपनी टीम इंडिया को सपोर्ट करेंगे आज के मैच में। तो सबसे पहले दोस्तों वीडियो को लाइक जोर से कर दीजिएगा। आज आपका लाइक करना आपके लिए इंपॉर्टेंट भी रहेगा, तो लाइक जोर से कर दीजिएगा। और इस वीडियो आपको 20 ग्रैंड लीग के टीम्स भी दूंगा, जैसे फिर आपको बोला हूं, तो इस वीडियो आपको 20 ग्रैंड लीग का टीम्स भी आपको प्रोवाइड करूँगा। तो मेरे साथ वीडियो का एंड तक बने, आप खुद से देखो टीम कितनी अच्छी लग रही है, खुद से देखो और किस लॉजिक बेस पर टीम है आपको बताऊंगा। ग्रैंड लीग का स्पेशल मैच है, तो सबसे पहले बात करें दोनों टीम से प्लेइंग 11 से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। और इस वीडियो अपनी वन ऑफ मेरी फेवरेट फैंटेसी साइट फैन टू प्ले की टीम दूंगा, बहुत ही अच्छी फैंटेसी मार्केट बहुत तेजी से ग्रो करे। रेफर कोड F11 के साथ आपको साइन अप कर लेना है, देखो जो से ट्राई करना, फिर स्पेस देखिए आपको रेफर कोड F11 यूज करना है। बात करते हैं सबसे पहले प्लेइंग 11 से। बाकी दोस्तों जो फाइन टीम रहेगा टेलीग्राम पे शेयर कर दूँ, तो रियल टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें इसका डेडलाइन है 7:30 मिनट पे मैच स्टार्ट हो जाएगा इंडस्ट्रियल टाइम के हिसाब से, लोकल टाइम 6 बजे, बट इंडियन स्टाइल के हिसाब से 7:30 पे मैच स्टार्ट हो जाएगा। तो आप रियल टेलीग्राम जो ज्वाइन कीजिए, जहाँ ऑलरेडी आपको 10,300 आप प्लस आपको देखने को लेते हैं। टेलीग्राम जो ज्वाइन कर लीजिएगा, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक ओपन करो या फिर कमेंट बॉक्स लिंक ओपन करो, आप सीधा कमेंट बॉक्स लिंक ओपन करो, पहले लिंक पे क्लिक करना और रियल टेलीग्राम आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो टेलीग्राम जो ज्वाइन कर लीजिए, जो भी मैच के अपडेट्स का टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा, तो रियल टेलीग्राम जो ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि टेलीग्राम पे हर एक मैच की फाइनल टीम को टेलीग्राम पे सबसे पहले प्रोवाइड कर दी जाती है। तो जिनको फ्री विनिंग टीम से रियल टेलीग्राम जो ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम जो ज्वाइन कर, क्योंकि आपको डेडलाइन से 15 मिनट पहले आपको 20 ग्रैंड लीग्स की टीम दे दूंगा, और मैं आपको एक ऑडियो मैसेज भी दे दूंगा जिसमें आपको बताऊंगा प्लेयर प्रेडिक्शन। तो रियल टेलीग्राम जो ज्वाइन कर, जहाँ पे 10,300 प्लस आपको देखने को लेते हैं। टेलीग्राम जो ज्वाइन कर लिए, अगर किसी सर्च के करना तो सर्च के कर सकता है, फैंटेसी लेवल टीम सर्च के कर सकता है। तो मेरी बात हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से आ जाओ या फिर कमेंट बॉक्स लिंक से आ जाओ। और मैं को बता दूं मैच डिटेल्स दोस्तों, बता दूं ये वेन्यू है दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, मैच खेला जाएगा दुबई में। और मैं आपको बता दूं इंडियन टाइम के साथ 7:30 मैच स्टार्ट हो जाएगा, लाइव स्ट्रीम आप इसे स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पे से लाइव देख सकते हो, साथ ही साथ डिज्नी हॉट स्पॉट पर भी अपना लाइव देख सकते हो, तो आप देख सकते हो। बात करते हैं दोस्तों पिच रिपोर्ट से, मैं आपको बता दूं ये पिच, ये जो विकेट है वो थोड़ा सा रन के लिए भी अच्छा जाता है, बट यहाँ पे थोड़े मतलब डिफिकल्ट होता है बैटिंग के लिए। और ये पिच थोड़ा सा बॉलर्स को ज़्यादा सपोर्ट करता है, जैसे जसप्रीत बुमराह और साथ ही साथ मतलब कि ऐसे प्लेयर्स जैसे मोहम्मद शमी, सादुल ठाकुर, ये ऐसे पिचेस पे ज़्यादा अच्छी बात लेकिन विकेट लेके आपको दे सकते हैं। तो आपकी टीम में जोर से कवर कीजिएगा। बात करते हैं इंडिया वुमेन के, बात करते हैं इंडिया की टीम की तरफ से दोस्तों, ओपन करेंगे यहाँ पे ओपन करेंगे रोहित शर्मा लोकेश राहुल के साथ वो ओपन करेंगे, वन डाउन विराट कोहली खेलते नजर आएंगे, उसके सूर्य कुमार यादव फोन बैटिंग करेंगे, ऋषभ पंत आपको फिर बैटिंग प्लस टीम से विकेट कीपिंग करेंगे, हार्दिक पांड्या सिक्स बैटिंग करते नजर आएंगे, और हो सकते हैं आज के पीछे बंदे के कम से कम 2 ओवर तो कम से कम डालेंगे। उसके अलावा रविंद्र जडेजा आज के पीछे आपके सबसे बड़ा ट्रंप कार्ड यही प्लेयर होने वाले, तो आज के मैच बिल्कुल भी मत करना, बहुत ही स्पेशल पिक रहेंगे। और मैं ये चाहता हूँ आज के मैच ऐसा हो कि टीम पहले पाकिस्तान पहले बॉलिंग सॉरी पहले बैटिंग कर ले, तो जबरदस्त मैच आप सभी के लिए जाएगा। उसके अलावा आपको भुवनेश्वर कुमार, सादुल ठाकुर में से कोई एक आपको खेलते नजर आएगा, फिर मोहम्मद शमी 9th पे, जसप्रीत बुमराह 10th पे, वरुण चक्रवर्ती, तो दोस्तों ये होना चाहिए इंडिया के प्लेयर देख लीजिए। एंड बात करते हैं पाकिस्तान की टीम की तरफ से प्लेइंग जो होना चाहिए, मोहम्मद रिजवान ओपन करेंगे बाबर आजम के साथ, एंड आज मुझे लग रहा है कि बाबर आजम आज फ्लॉप होने वाला है, ऐसा मुझे लग रहा है। जब से मैंने ये मैच में देख रहा हूँ तब से मुझे फील आ रहा है कि बाबर आजम आज के फ्लॉप होगा। ओपन करेंगे मोहम्मद रिजवान, ओपन करेंगे विकेट कीपिंग करेंगे इस मैच में बाबर आजम के साथ ओपन कर, वन डाउन फखर जामन खेलते ना जाएंगे, वन डाउन बैटिंग करेंगे, मोहम्मद हफीज पौधा बैटिंग करेंगे, सोई मलिक टिस्फिना बैटिंग करेंगे, आसिफ अली हैदर अली से कोई एक खेलते आपको नजर आएगा, जो टीम की तरफ से मुझे लगता है ज़्यादा आसिफ अली को चांस देंगे, क्योंकि हैदर अली का करंट फॉर्म बिल्कुल भी ना के बराबर एकदम चल रहा है, फॉर्म बहुत ही मतलब खराब फॉर्म चले, तो आसिफ अली को देखिए क्योंकि आसिफ अली टैलेंटेड है। इमाद वसीम टीम से सैन बैटिंग करेंगे, सवाद खान आपको 8th बैटिंग करेंगे, हासन अली आपको 9th बैटिंग करते ना जाएगा, साइन अफरीदी आपको 10th बैटिंग करते ना जाएगा, उसके हरीश तो दोस्तों ये होना चाहिए पाकिस्तान के प्लेइंग देख लीजिए विद बैटिंग ऑर्डर। और आपने एक चीज नोटिस किया होगा, पाकिस्तान ने हर एक बड़े प्लेयर्स को अपनी टीम में कवर कर लिया है, जो जैसे सोई मलिक है बड़े लेवल का प्लेयर और साथ ही टैलेंटेड है, तो इसे भी कवर कर लिया है, तो काफ़ी मतलब कि टैलेंटेड प्लेयर्स को अपनी टीम में रख चुका है ये, बट कोई नहीं जीतेगी तो इंडिया ही। बात करते टॉप बैट्समैन की, तो ऐसे रोहित शर्मा और बाबर आजम ये सबसे टॉप बैट्समैन रहेंगे, वही मैं इस मैच में मुझे लगता है बाबर आजम से फ्लॉप होने वाला है, ऐसा मुझे फील आ रहा है, जब से मैं टीम बना रहा तब से मुझे ऐसा फील आ रहा है कि बाबर आजम आज के फ्लॉप में होने वाला है, ऐसा मुझे फील आ रहा है। टॉप ऑलराउंडर्स
वन ऑफ द बेस्ट, रविंद्र जडेजा से अच्छा कोई ऑप्शन मिल भी नहीं सकता क्योंकि बहुत ही अच्छी प्लेयर टीम की तरफ से। उसके लिए मोहम्मद हाफिज़ जो कि टीम से एक टैलेंटेड प्लेयर है टीम की तरफ से, आपको ये भी मतलब खेलते रह जाएंगे और ये भी आपके लिए टॉप पिक्स रहेंगे ऑलराउंडर सेक्शन। बात के बॉलर्स जो टॉप वरुण चक्रवर्ती आज के आप मैच आपके लिए ट्रम्प कार्ड रहेंगे। वरुण चक्रवर्ती आज आपको कम से कम 2 विकेट ले आकर दे सकते हैं, तो आपके टीम में जो उसे ट्राई करना, इनफैक्ट गैल की टीम में कैप्टन कैप्टन भी रोटेट कर देना। उसके लिए हरीश रूफ खेलते रह जाएंगे टीम की तरफ से, ये भी आपके इस मैच आप ट्रम्प कार्ड हो सकते, बट मैं आपको प्रेफर उतना नहीं करूँगा। बात करते उससे विकेट कीपर से तो मोहम्मद रिजवान सबसे बेटर ऑप्शन है विकेट कीपर सेक्शन में। तो दोस्तों ये मतलब एक टॉप बॉलर से और टॉप बैट्समैन टॉप विकेट कीपर से देख लीजिए। बाकी इसलिए टेलिया जो चाहिए टेलिया पे फाइनल टीम आपको 20 ग्रैंड लीग से टीम टेली प्रोवाइड कर दूंगा। एक पैसा स्मॉल इन्वेस्ट ना करके लाइव मैच देखेंगे और ग्रैंड लीग में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे। लेकिन दोस्तों उससे पहले मैंने गिव क्वेश्चन पूछे थे, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें मतलब पेटीएम कैश बढ़ गया आपके लिए। पेटीएम कैश अगर आपका राइट है तो हमारे चाहिए 50 रुपीज़ का फ्री पेटीएम कैश, तो जोर से पार्टिसिपेट कर आप टोटल 5 विनर्स रहेंगे। सिंपल सा आपको नीचे कमेंट करना है, इस मैच से सिंपल सा क्वेश्चन आपको नीचे लिखना है। आपको लिखना है सबसे पहले हैशटैग यूज़ करना है #SupportIndia। जब तक आप ये यूज़ नहीं करोगे तब तक आपका कमेंट एलिजिबल बिल्कुल भी नहीं होगा। मैं मतलब फुल फेवर में हूँ इंडिया के और इंडिया के मतलब कि अगेंस्ट टीम बनाने वाला हूँ। उसके लिए मोस्ट रन मोस्ट विकेट आपको प्रेडिक्ट करना है, कुछ इस तरीके आपको कमेंट करना है जैसा मैंने यहाँ पे लिख रखा हूँ। सेम डिटो सेम चीज़ के साथ आपको कमेंट कर तभी आपका कमेंट एलिजिबल हो पाएगा। #SupportIndia मोस्ट रन मोस्ट विकेट आपको कमेंट किया, मेरा आंसर होता मोस्ट रन रोहित शर्मा मोस्ट विकेट जसप्रीत बुमराह, तो ये मेरा आंसर होता। हैशटैग यूज़ कर लेना और वीडियो को लाइक जोर से कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब जोर से कर लीजिएगा। सिंपल सा क्वेश्चन जोर से पार्टिसिपेट करना, अगर आपका आंसर रहेगा तो मैं इसका फ्री पेटीएम कैसे जोर से पार्टिसिपेट कर लीजिएगा। एंड बात करते हैं अपने टीम से, तो दोस्तों मैं अभी अभी 7 टीम्स बना रखा हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे 7 टीम्स अभी बना रखा हूँ अभी, क्योंकि वीडियो में उतना ज़्यादा टीम्स प्रोवाइड करना तो मुश्किल होगा, क्योंकि अगर एक एक दिखाऊंगा फिर भी मतलब कि 3-4 मिनट तो ऐसी टीम दिखाने में चला जाएगा। तो मैं अभी 7 टीम्स आपको दिखा देता हूँ, बाकी 20 ग्रैंड लीग में कन्फर्म आपको देने वाला हूँ और टेलीग्राम पे, तो रियल टेलीग्राम जो सो जाएंगे जहाँ ऑलरेडी 10,300+ आपको देखने के लिए। तो आप सीधा कमेंट बॉक्स के लिंक ओपन करो या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक ओपन करके आ जाओ। ये मैं आपको पहले दिखा रहा हूँ, स्मॉल लीग टीम भी मान सकते हो और मिनी ग्रैंड लीग टीम भी मान सकते हो। मेरी टीम में देखो थोड़ा सा लॉजिक बेस पर टीम है, मैंने उस बेस पर टीम बनाई। मैं चाहता हूँ एक ही चीज़, पाकिस्तान आज पहले बैटिंग कर ले और उसके से मैं हर एक मतलब इंपॉर्टेंट बॉलर्स को कवर किया हूँ। वरुण चक्रवर्ती, मोहम्मद शमी, रविंद्र जडेजा, ये सबसे मेरे लिए इंपॉर्टेंट ऑप्शन रहेगा। उसके अलावा मैंने यहाँ पे बस एक ही प्लेयर को मिस किया, विराट कोहली को। पता नहीं मिस करना की मतलब कि मजबूरी थी मेरी किट से, बट मुझे मिस करना पड़ा, बस कोई नहीं। उसके लिए मैंने एक बैकअप प्लेयर लिया, यहाँ पे सूर्य कुमार यादव, उनकी जगह पे एक बैकअप प्लेयर ले लिया हूँ। तो मेरी डेमो टीम काफ़ी मुझे सही लग रही है, स्मॉली की टीम है और आप लोग स्मॉली के तो इन्वेस्ट कर सकते हैं इस टीम के साथ। मैं आपको यही प्रेफर करूँगा, कोई भी आप टीम बनाओ 7-4 के कॉम्बिनेशन के साथ जाना, मैं 7 प्लेयर्स लूँगा इंडिया के आज। कोई भी मतलब कीमत पे मैं नहीं लेना चाहूँगा, मतलब 5 प्लेयर या 6 प्लेयर यहाँ पे पाकिस्तान के, मैं 7 प्लेयर का लेना चाहूँगा इंडिया के, और यही आपके लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट रहेगा। तो दोस्तों ये थी मेरी स्मॉली टीम, देख लीजिए। एंड अब बात करते हैं मेरी पहली ग्रैंड लीग टीम, तो मेरी पहली ग्रैंड लीग टीम आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेते हैं जो भी टीम्स दे रहा हूँ, तो मेरी पहली ग्रैंड लीग टीम स्क्रीनशॉट ले लो, जहाँ पे मैंने लोकेशन है कैप्टन वाइस कैप्टन रविंद्र जडेजा, और ये उस पेस पर टीम है जिससे पहले बैटिंग नहीं गई इंडिया की। अगर ऐसा होता है तो इसके इसमें यह टीम काफ़ी रॉक चली जाएगी, खुद से देखो। और अपने मैंने हर मतलब कि इंपॉर्टेंट बॉलर्स भी कवर कर लिए। तो दोस्तों ये मेरी पहली मिनी ग्रैंड लीग और ग्रैंड लीग टीम जिसके साथ मैं ग्रैंड लीग खेलूंगा। एंड बात की दूसरी टीम से, तो मैं आपको दूसरी टीम दिखाता हूँ, मैंने यहाँ पे विराट कोहली कैप्टन वाइस कैप्टन वरुण चक्रवर्ती के साथ गया। तो ये मेरी आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आपको सारे अपडेट्स और टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। उसके अलावा थोड़ा सा नीचे हो गए, तो ये मेरा जसप्रीत बुमराह हैज ए कैप्टन और वाइस कैप्टन में हो गया मोहम्मद शमी के साथ। और यहाँ पे एक चेंज किया, यहाँ पे मैंने बाबर जाम को ड्रॉप करके मैंने ट्राई किया सोई मलिक को, क्योंकि मलिक टैलेंटेड प्लेयर, तो मैंने मलिक के साथ किया और साथ बाबर जाम को ड्रॉप किया, लेकिन बाबर जाम के लिए इंपैक्ट प्लेयर होगा क्योंकि कैप्टनसी भी कर रहा है। उसके अलावा मेरी टीम काफ़ी सही लग रही है, आप खुद से देखो, कैप्टन यहाँ पे वाइस कैप्टन भी काफ़ी सही है और साथ ही हमने टॉप ऑर्डर्स उठा रखे, तो मेरी डेमो टीम काफ़ी सही है। उसके अलावा बात करें अब दूसरी टीम से, तो रविंद्र जडेजा मैं कैप्टन गया हूँ अभी इस टीम में, और वाइस कैप्टन सूर्य कुमार यादव के साथ गया, जो कि करंट फॉर्म सही चल रहा है। तो सूर्य कुमार है जब अपना वाइस कैप्टन गया हूँ इस टीम में, मुझे रोहित शर्मा को मिस करना पड़ा क्योंकि कैट की प्रॉब्लम थी। इस वजह से अगर पिक करना होता तो मैं पिक कर लेता जरूर, जैसे कि मैं पिक करता अगर आपको पिक करना तो लोकेश राहुल की जगह पर पिक, बट राहुल को आज मैच ड्रॉप नहीं करना चाहूँगा। मैंने यहाँ पर यादव कैसे अपना वाइस कैप्टन किया, तो दोस्तों मेरी ग्रैंड लीग टीम है और आप सेम टीम के साथ ग्रैंड लीग खेलते, मेरी 5th ग्रैंड लीग टीम है। बात करते हैं अब यहाँ पर 6th ग्रैंड लीग टीम, तो दोस्तों मेरी 6th ग्रैंड लीग टीम कुछ इस प्रकार के, कैप्टन में यहाँ पर तो गया विराट कोहली साथ ऐसे कैप्टन, वाइस कैप्टन सोई मलिक साथ किया, और मेरी डेमो टीम भी काफ़ी परफेक्ट है। यहाँ पे मैंने हासन अली को ट्राई किया और ये था 6-5 को कॉम्बिनेशन में चला गया है, बट फिर भी टीम मुझे काफ़ी सही लग रही है। तो दोस्तों ये मेरी टीम के साथ मैं मतलब कि ग्रैंड लीग खेलूंगा, आप खुद से देख लो। आप सेम टीम के साथ भी जा सकते, सभी टीम के स्क्रीनशॉट ले लो और सेम टीम के साथ मेरे अकाउंट जाकर ज्वाइन करो। अगर आप किसी को लग रहा है कि स्मॉल लीग आज इन्वेस्ट करो, तो बिल्कुल भी इन्वेस्ट मत करना, मैं लाइव मैच देखूंगा और मैं मतलब टीम इंडिया को सपोर्ट करूंगा। इसलिए मैंने मतलब हैशटैग भी यूज़ किया हूँ, #SupportIndia, और आपको भी मतलब यूज़ करना है ये हैशटैग, कमेंट करना है, पार्टिसिपेट करते समय #SupportIndia
नॉट इंडिया करके आपको मतलब कमेंट भी करना है, तो जोर से कमेंट कीजिएगा। बहुत ही मतलब कि आपका मतलब अगर दोस्तों अगर आपने सेवन प्लेयर्स लोगे टीम इंडिया का तो उसमें मतलब कि दुआ लगेगी और उसमें हमारी जो टीम इंडिया जीतेगी। तो एक बार जोर से ट्राई करना 7-4 का कॉम्बिनेशन अपनाना और हम मतलब कि स्मॉल लीग में हारे या फिर ग्रैंड लीग में जीते उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, हमारी टीम इंडिया जीतनी चाहिए आज की मैच। तो वीडियो को जोर से दोस्तों मतलब लाइक करके आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा #supportindia और साथ ही साथ टीम 7-4 का कॉम्बिनेशन बनाना। तो दोस्तों आपको से देखो मैंने हर एक टीम मतलब 7-4 का कॉम्बिनेशन, बस लास्ट बार 6-5 के बने, बट हर एक मतलब टीम 7-4 के कॉम्बिनेशन है। तो दोस्तों ये थी और अपने एक नोटिस किया, मेरा हर टीम में कैप्टन वाइस कैप्टन गया हूँ एज अ मतलब कि ऐसे प्लेयर्स जो कि मतलब पाकिस्तान प्लेयर के सिर्फ एक ही साथ गया हूँ, शोएब मलिक को स्ट्राइक किया, अदरवाइज मैं ट्राई नहीं करता, इसको भी ड्रॉप कर सकता हूँ, ध्यान रखिएगा। तो मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूँ, अटर टेलीग्राम जो सो ज्वाइन कर लिए टेलीग्राम बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। एंड अब मैं बात करता हूँ फैन टू प्ले की टीम से जो कि बहुत ही अच्छी फैंटेसी बट बहुत तेजी से ग्रो कर रही है, वन ऑफ द मेरी फेवरेट फैंटेसी साइट, एक बार जो सा ट्राई करना इस ऐप के ब्रांड नेम सर हर वजह से, और यहाँ पे लीडर बोर्ड कॉन्टेस्ट लग चुका है जो कि हर एक मतलब कि आप मतलब जीत सकते हो, हर मतलब वीक में आप जीत सकते हो एक बाइक, जो कि हमारे लास्ट मतलब आप देखोगे लास्ट विनर इनकी है, ये आपको से जोधपुर से राकेश गोलेट नाम इनका, और इन्होंने मतलब बाइक जीत चुके सिर्फ मतलब यहाँ पे और यहाँ पे कॉम्पिटिशन आके बराबर है ब्रांड में हर वजह से। तो एक बार जो सा ट्राई कर रेफर कोड एफलिंग साथ को साइन अप कर लें, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और कमेंट बॉक्स से पिन कर दूँगा, वहाँ पे क्लिक कर डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ की टीम से बात करूँ तो मैं सेम टीम के साथ यहाँ जाऊँगा, लेकिन यहाँ पे मतलब कि बड़े प्लेस को मैं कवर कर सकती, कोई भी के डी प्रॉब्लम नहीं पड़ने वाले और ऐप बहुत ज्यादा स्मूथ है। तो एक बार जो सा ट्राई कर लीडर बोर्ड कॉन्टेस्ट लग चुका है, तो एक बार जो सा ट्राई कर 32 रुपये में आप यहाँ पे फर्स्ट प्राइज, वहाँ पर 10,000-20 रुपये, तो ट्राई जरूर से करना। और कन्फर्म कॉन्टेस्ट नहीं, कैंसिल नहीं होता कोई भी कॉन्टेस्ट, नहीं इस बॉलिंग नहीं ग्रैंड लीग। विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान ठीक ठाक ऑप्शन है, ईशान किशन को चांस आज नहीं दिए जाएंगे मेरे अकॉर्डिंगली। बैटिंग सेक्शन से बात करें तो बैटिंग सेक्शन से दोस्तों ऐसे पिक करना है हमें लोकेश राहुल को पिक करेंगे, रोहित शर्मा को पिक, बाबर जाम को पिक, विराट कोहली को पिक करेंगे, और साथ ही हम लेंगे यहाँ पे सूर्य कुमार यादव को, नहीं पिक करना चाहता, मैं 4 ले चुका हूँ जो कि इंपॉर्टेंट है, और कोई भी अच्छे ऑप्शन है भी नहीं इनके अलावा, है सूर्य कुमार यादव के लिए इंपॉर्टेंट ऑप्शन। अभी रवि जडेजा, मोहम्मद हाफिज़, आप इमाद वसीम को आज के ट्राई कर सकते, मैंने 2-3 टीमों ट्राई किया था, ग्रैंड लीग टीम आप देखा भी हो गए। उसके अलावा बॉलिंग सेशन से मैं साइन अप रिदी को लूँगा, भुवनेश्वर कुमार को ले सकता हूँ, बट भुवनेश्वर कुमार और साधु ठाकुर कोई एक खेलेगा, जो भी खेलेगा उन दोनों को जोर से पिक करेगा, ठाकुर के तो ठाकुर के साथ चले गए, अदरवाइज कुमार के साथ भी चले जा सकते हैं। उसके अलावा जसप्रीत बुमराह को लेंगे, मोहम्मद शमी को लेंगे, और ये मेरी डेमो टीम में अभी मैं चला रहा था वरुण चक्रवर्ती के साथ, और मेरी डेमो टीम मुझे काफ़ी परफेक्ट कॉम्बिनेशन लग रहा है। इस टीम में मेरे पास विराट कोहली भी और मेरे सारे मतलब इंपॉर्टेंट प्लेयर्स भी आ जाते हैं, और मतलब सारे इंपॉर्टेंट बॉलर्स वो भी आ जाते। तो दोस्तों ये थी मेरे यहाँ की स्मॉल टीम, साइन अप रिदी था विकेट टेकिंग है तो उसके लिए लेना पड़ गया, बट अगर ड्रॉप करने के अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं है, अगर साइन अप रिदी को अगर ड्रॉप नहीं, अगर साइन अप रिदी का कोई आउट प्लेयर लोगे तो हो सकता है डक पे भी आउट हो जाए बैट्समैन को लोगे आज के मैच के लिए। तो मैं बात कैप्टन कैप्टन ऑप्शन, तो मेरा कैप्टन फिक्स अभी रोहित शर्मा कैप्टन है, मैं जा रहा हूँ, वाइस कैप्टन में लोकेश राहुल के साथ जा सकता हूँ, अदरवाइज मैं जा सकता हूँ जसप्रीत बुमराह या फिर मैं और किसी के साथ जा सकता हूँ। मेरे अपनी टीम में है जो वाइस कैप्टन अभी के लिए जाना चाहूँगा, लोकेश राहुल के साथ जाना चाहता हूँ अभी की टीम में, बट मैंने ड्रीम इलेवन टीम में मतलब कि अपने वाइस कैप्टन किया था यहाँ पर रवि जसप्रीत बुमराह, तो मैं बुमराह के साथ आ जाऊँगा, क्योंकि बुमराह आज मुझे लगता है बहुत ज़्यादा मतलब विकेट भी लेने वाला है, और साथ ही साथ यही नहीं आपको पता है न्यू बॉल से स्टार्ट करेगा तो स्टार्टिंग से आपको विकेट लेके देगा, मुझे लगता है स्टार्टिंग में झटका लगने वाला है पाकिस्तानियों को, तो मुझे लगता है स्टार्टिंग में झटका लगेगा जैसे कि बाबर जाम का, तो वहाँ सबको विकेट लेके दे देगा, साथ ही साथ ओपन करके मोहम्मद रिजवान तो उसका विकेट लेके दे सकता है। तो आपको उस केस में आपको सबसे बेटर ऑप्शन है कैप्टन करके जसप्रीत बुमराह, जो कि आज के मैच स्पेशल है और मेरे ट्रम्प कार्ड भी रहेगा, और मैंने अपने देखा होंगे हर एक ग्रैंड टीम में पिक किया, और इनफैक्ट मतलब मैक्सिम टीम के साथ में कैप्टन कैप्टन भी गया हूँ। तो दोस्तों ये थी मेरी फैन टू प्ले टीम जिसे मैं फैन टू प्ले पे खेलूंगा, और वो थी मेरी ड्रीम टीम जिसे मैं ड्रीम पे खेलूंगा। आप जोर से ट्राई करना, बहुत ही अच्छी ऐप है, वन ऑफ द मेरी फेवरेट ऐप है और काफ़ी स्मूथ ऐप चलती थी, एक बार जो ट्राई कर लेना, रेफर कोड एफिलिंग के साथ साइन अप कर लेना है, और यहाँ पे आप मतलब कि यहाँ पे लीडर बोर्ड कॉन्टेस्ट भी खेल सकते, जिसमें अगर एक वीक में अगर आप फर्स्ट रैंक आते हो जो मतलब कि आपको बाइक दिए जाएगी, तो जोर से ट्राई करना, कॉम्पिटिशन ना के बराबर आप इजिली विन कर लोगे बाइक, तो जोर से ट्राई करना, रेफर कोड एफिलिंग होना चाहिए अगर आप मतलब कि हमारे फेवरेट बन जाओगे, अगर रेफर कोड एफिलिंग से साइन अप करोगे बिना स्पेस देखा आपको यूज़ करें कैपिटल F11। तो दोस्तों ये थी मेरी स्मॉल टीम फैन टू प्ले की, मुझे टीम काफ़ी सही लग रही है, मैं आपको पहले बोल चुका हूँ जसप्रीत बुमराह ड्रॉप मत करना, क्योंकि स्टार्टिंग में विकेट गिरने वाले हैं, तो आपको बिल्कुल भी ड्रॉप नहीं करना जसप्रीत बुमराह को, इनफैक्ट कैप्टन कैप्टन भी जाना है। तो दोस्तों ये थी मेरी स्मॉल टीम, इस समय स्मॉल ही खेलूंगा, और ये मेरी ग्रैंड टीम आपको प्रोवाइड कर चुका हूँ, और भी मैं ग्रैंड टीम को टेलीग्राम पर शेयर कर दूँ, तो टेलीग्राम जोर से ज्वाइन कर लीजिएगा, जितना हो सके इन्वेस्ट हम ग्रैंड पर फोकस करेंगे, स्मॉल पर कम इन्वेस्ट करेंगे। तो जो भी दोस्तों नीचे डाउट आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा, बाकी नीचे जोर से कमेंट कर दीजिएगा, आप #supportindia आपका जो भी असर नीचे कमेंट कर दीजिएगा। जय हिंद दोस्तों, मतलब जो भी डाउट है नीचे कमेंट कर देना, मैं आपको यही परफेक्ट करूंगा, आप बस टीम इंडिया को सपोर्ट करना, लाइव मैच देख के आपको मैं यही परफेक्ट करना चाहता हूँ, आप भले 0 इन्वेस्ट करो बट एक बार टीम इंडिया को जोर से सपोर्ट करना अपनी टीम में।